Hey! बनारस में कबीरदास जी घोषणा कर चुके हैं कि अभी तक तो मैं केवल सत्संग करता था, अब मैं भंडारा भी करूंगा। सिंह की तरह गर्जना करते हैं कबीरदास जी कि सारे लोग, सभी जो कोई भी यहाँ पर आना चाहे, उसमें सभी ऊंची नीची छोटे मोटे जो कोई भी लोग हैं, मेरे साथ एक दरी पर बैठेंगे और हम सब खाना खाएंगे। ये उस समय क्रांतिकारी परिवर्तन था। मूलतः बात यह थी कि मैं अध्यात्म पक्ष की तरफ ज़्यादा झुकाव मेरा मैं नहीं देना चाहता था। मैं ब्रह्म वगैरह इसकी बात नजकू जानता हूँ इतनी ज़्यादा, और उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं। बात यह थी कि जो मानवीय पक्ष है कबीर का, जो उन्होंने मानवीय धरातल पे सामान्य लोगों के बीच रहकर जो काम किया, वो काम मैं स्टेज पर दिखाना चाहता था कि कबीर वो जो सामान्य लोगों में पाए जाते हैं। कबीर ने कोई साधना नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि 2 घंटे आसन करिए या 4 घंटे पूजा करिए या ओम का नाद करिए, कुछ नहीं। जो सामान्य जीवन शैली है, उसी में किस प्रकार आप दूसरों के साथ में एक होते होते उसके साथ में एक हो जाते हैं। छोड़ो इसे, मारी डालोगे इसे। अरे अरे, ये तो कबीर बा है। ए, तू कौन है बीच में पड़ने वाला? चल भाग यहाँ से, चल। हम तो जो है सो है साहिब, पर इस मासूम पर चाबुक नहीं चलने देंगे। जानते नहीं हम किस अखाड़े के हैं। भैन चोद यही बूढ़ दे तो पता भी नहीं चले कोई था भी या नहीं था। चल फोट। जानता हूँ, बड़े शूरवीर हैं, साधु भी और शूरवीर भी, तभी बच्चे को अधमरा करके छोड़ा। पकड़ लो इस माँ के जने को। जब तक इसकी चमड़ी नहीं उधड़ेगी तब तक इसके होश ठिकाने नहीं आएंगे। मारो साले को। एक साधु एक बच्चे को नृशंसता से मार रहा है, वहाँ किसी संत को ये बात पहुंचती है, वो अपने पंडाल में, अपने मठ में, अपने आश्रम में इसके लिए एक सभा आयोजित करते हैं और वहाँ पे 2 घंटे का लेक्चर देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और बच्चे को मारना नहीं चाहिए, ये गलत है, ये हिंदू सभ्यता नहीं है, हिंदू धारा नहीं है, ये एक और बात है, ये बुद्धि विलास है। मूलतः बात यह है कि उस घटना जब वो घटित हो रही है तब उसका पात्र बन जाना और उसके इस घटना से उत्पन्न होने वाले सारे संतापों को सहन कर लेना, ये कवि है।